नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल्स पे VS Education हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। लेकिन न्यूज जुड़ रहे हैं उनको बताते चलूँ। इसमें अपन बैंकिंग गवर्नेंस स्ट्रैटेजी आपकी करंट अफेयर इंटरनेशनल अफेयर बुक पेज पर डेज पेज पर क्वेश्चंस सब कुछ अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, तो आप सभी से मेरे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सेशंस को अंत तक जरूर देखिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, नहीं समझ में आता हो, तुरंत टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, स्टार्ट करते हैं। कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो या IBPS, RRBPO मेंस, जैसे कि IRRB क्लर्क मेंस, SPIPO मेंस, IBPS PO मेंस, या SSC एस्पिरेंट, CGLS, AHS मेंस, रेलवे, NTPC या अदर कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर देखने को मिलता हो वहाँ पर, तो प्लीज आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कंप्लीट सेशंस देखिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशंस को देखिएगा। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज पहले चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल्स पे मिल जाएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स। अच्छा लगे लाइक करिएगा, इंपॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। ओके, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो आपकी करंट अफेयर कोई भी अगर आपका एग्जाम्स होने वाला है वहाँ से इनमें से क्वेश्चंस देखने को 100% मिलेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पद्म अवार्ड है, तो जो तीन कैटेगरी में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, राइट। उन तीन कैटेगरीज के पद्म अवार्ड के जो डिक्लेरेशंस हुई हैं, राइट, तो उन सभी लिस्ट मैंने एक वीडियो में बनाया है। क्या होता है, कहाँ से पद्म अवार्ड्स का निर्माण, कब इसकी शुरुआत हुई थी, किसको दिया जाता है, सब कुछ एक सेपरेट वीडियो में बना रखा है। सेम थंबनेल है, आप जाके जरूर देख लीजिएगा एक बार, राइट। एग्जाम्स में डेफिनेटली एक से दो क्वेश्चंस यहाँ से पूछेंगे, राइट। वन से टू क्वेश्चंस 100% चांसेस है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से नोट कर लीजिएगा इस चीज को। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है पार्क्स एंड न्यूज, राइट। रिसेंट में कौन कौन से पार्क न्यूज में रहे थे, यानी कि इंडिया में फर्स्ट बार उनका उद्घाटन हुआ है, फर्स्ट बार उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, यानी कि पहली बार उनको खोला गया है इंडिया में, राइट। ऐसे महत्वपूर्ण पार्क हैं जिनका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। इसके 100% चांसेस के साथ कह सकता हूँ, श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। ओके, टॉपिक बेस पर, इस बेसिस पे आपको अलग अलग भागों में बांट कर ही आपको करंट अफेयर तैयार करना होगा। अदरवाइज आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ लोगे बट वहां पर एग्जाम्स में खिचड़ी बन जाएगी, राइट। तो टॉपिक वाइज जैसे मैंने वीडियो बना रखे हैं, उन वीडियोज को जरूर देखें, एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, एग्जाम्पल्स के लिए देखिए, पहला मेघालीधर पार्क कहाँ पर स्थापित हुआ है, फायर पार्क कहाँ पर है, लेजुन पार्क कहाँ पर है, राइट। अब ये वीडियो देखिएगा एंड सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर्स इस वीडियो में मिल जाएगा। ओके, सेम थंबनेल है, आप जाके देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा कंटेंट मैंने यहाँ पर रेडी किया था, आप देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और देखिए, इम्पोर्टेंट इंडेक्स, यानी कि अभी तक जो इंडेक्स है, इट मीन्स जो सूचकांक जिसको हिंदी में कहते हैं, राइट, इंडेक्स बेस पर ये क्वेश्चंस पूछना है, तो अभी रिसेंट में जारी किए गए सभी इंडेक्स, राइट, जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, सभी कंप्लीट इंडेक्स, कंप्लीट सूचकांक एग्जाम्स में आने लायक है। RRB क्लर्क मीन्स 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोबल स्पेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी 2019 में, राइट। तो ये क्वेश्चंस आपको अभी के एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछेगा। ओके, तो एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, आप जाके देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। ओके,
नेक्स्ट टॉप 100 क्वेश्चंस का पीडीएफ मैंने दे रखा है दिसंबर मंथ का, मंथली बेसिस पे पीडीएफ देता रहता हूँ। अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो प्लीज जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा एक बार। नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में टेलीग्राम चैनल्स का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मेल आईडी दे दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। ये तो थी आपकी सारी की सारी जो आपके काम आ सकती है एग्जाम्स में, राइट। क्वेश्चंस देखिए, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन 2021 बाय आईएमएफ इन इट्स लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, राइट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, राइट, आप सभी को मालूम होगा। तो उस एक तरह से उन जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने ग्रोथ रेट भारत की फोरकास्ट की है, राइट। की थी, यह मैंने न्यूज भी आपके साथ शेयर किया था, कटिंग्स भी थी, फाइनेंशियल्स एक्सपर्ट्स की कटिंग थी, राइट। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की 2021 में 11.5% फोरकास्ट की थी, राइट। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जाम्स में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, राइट। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में इसका हेडक्वार्टर है, ओके। एंड क्रिस्टलिना जॉर्जेवा जो कि बुल्गेरिया से है, राइट। एग्जाम्स में कैसे पूछेगा कि आईएमएफ की जो चीफ है क्रिस्टलिना जॉर्जेवा, वह कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, अब की बार भी देखने को मिल सकता है। तो क्रिस्टलिना जॉर्जेवा है जो कि आईएमएफ की चीफ है, जो कि आपकी बुल्गेरिया से बिलोंग करती है। एक चीफ ऑफ इकोनॉमिक है गीता गोपीनाथ, राइट। चीफ ऑफ इकोनॉमिक गीता गोपीनाथ, जो कि एक इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करती है गीता गोपीनाथ, वह आपकी जहां वहां पर चीफ इकोनॉमिक बेसिस पे कार्यरत कर रही है, ओके। याद रखिएगा, हेडक्वार्टर का है वाशिंगटन डीसी यूएस में, क्रिस्टलिना जॉर्जेवा प्रेसिडेंट वहां की चीफ है, और गीता गोपीनाथ वहां की चीफ ऑफ इकोनॉमिक है। ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है 11.5%, ओके। ये कटिंग्स भी आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर्स की। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्पोर्टेंट आज की न्यूज पे, राइट। आज की न्यूज पे इम्पोर्टेंट जो न्यूज है वह अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन उससे पहले जो डेज बेस पर डेली बेसिस पे मैं आपके साथ रिवाइज करवाता हूँ, डेली बेसिस पे आपको रिवाइज करवाता हूँ, आपको मालूम होना चाहिए, राइट। तो एक साथ एक बार अपन जो बिल्कुल कम समय में एक बार रिविजन कर लेते हैं सभी डेज का, जो मेरे न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल्स वर्ल्ड, 1 जनवरी को वर्ल्ड पीस डे, ओके, विश्व शांति दिवस, याद रखिएगा ये डेट है। नेक्स्ट 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 9th of January को। नेक्स्ट 10th of January को इस दिन वर्ल्ड हिंदी डे, राइट। याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस 10th of January को। नेक्स्ट आपका 12th of January को इस दिन आपके नेशनल यूथ डे, राइट। नेशनल यूथ डे 12th of January को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। नेक्स्ट 15th of January को इंडियन आर्मी डे, राइट। 15th of January को याद रखिएगा। नेक्स्ट 23rd of January को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द पराक्रम दिवस, राइट। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर 2021 में, यानी कि अभी की बात है, 23 जनवरी जो गया है वहां पर पहली बार पराक्रम दिवस बनाया गया था, ओके। नेक्स्ट 24th of January को नेशनल बालिका दिवस, राइट। बालिका दिवस 24th of January को है। 25th of January को नेशनल वोटर्स डे, राइट। 25th of January को नेशनल वोटर्स डे के रूप में, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है। एंड एक और डे बनाया जाता है, देयर इज अ टूरिज्म डे, राइट। यह भी आप ध्यान में रखिएगा, ओके, 25th of January को।
26 को तो आप सभी को मालूम है, रिसेंट में 26 जनवरी 72वां यानी कि 72 गणतंत्र दिवस बनाया गया था इस बार। ओके, ये डेज है, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, तो प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, उत्तर प्रदेश विंस बेस्ट टैबलो अवार्ड, राइट। जिसको एक टैबलो, इट मीन्स ये इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग्स होता है शोभा यात्रा, झांकी जिसको कहते हैं हिंदी में, एकदम बेस्ट वर्ड है हिंदी में झांकी, राइट। तो उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश स्टेट है, उन्होंने झांकी एक पेश की थी 26 जनवरी को, जो झांकी थी आपकी राम मंदिर इश्यू पर, राइट। राम मंदिर के बारे में बताया गया था उस झांकी में, राइट। तो उस झांकी को सबसे पहला अवार्ड दिया गया है, राइट। झांकी अवार्ड होता है, राइट, वह दिया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य को, क्लियर। पूछेगा एग्जाम्स में, डेफिनेटली पूछेगा, आप केवल परेड देखते हो और झांकी किसको कौन सा प्राइज मिला, कौन फर्स्ट पोजीशंस पे, ये बिल्कुल नहीं देखते। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश ने झांकी अवार्ड जीता है, उत्तर प्रदेश स्टेट ने। झांकी कौन सी प्रेजेंट की थी, राम मंदिर वाली झांकी इन्होंने प्रेजेंट की थी। ओके, उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप सभी को मालूम है सबसे चर्चित मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, योगी आदित्यनाथ जी। ओके, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है, लखनऊ यहाँ की कैपिटल हो गई, याद रखिएगा। लखनऊ में माय डियर एस्पिरेंट्स डिफेंस एक्सपो हुआ था लखनऊ, आपके राजनाथ सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, याद रखिएगा, राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस में मिनिस्टर्स हैं। ओके, दुधवा नेशनल पार्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा नेशनल पार्क आपकी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, याद रखिएगा। ओके, क्लियर। रोजगार छतरी योजना जो कि एससी एससी कैटेगरी के लिए है, रोजगार छतरी योजना, राइट, जो कि उत्तर एससी एससी कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, वह भी स्कीम आपकी उत्तर प्रदेश की ही है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट स्वामीनाथन, जानकी रणमन एंड अश्विनी कुमार तिवारी एज एमडी एंड, राइट। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्वामीनाथन जानकी राम है और अश्विनी कुमार है जिनको एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। बैंकिंग एग्जाम्स में डेफिनेटली यह क्वेश्चंस पार्ट बनेगा, राइट। कोई भी बैंकिंग सेक्टर्स का एग्जाम्स हो मेंस लेवल में, यह क्वेश्चंस आपको पूछा ही जाएगा, राइट। तो एसबीआई के अभी करंट में चेयरपर्सन कौन है, दैट इज द दिनेश खारा है, एमडी बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन एंड अश्विनी कुमार, याद रखिएगा। एसबीआई का हेडक्वार्टर बॉम्बे महाराष्ट्र में है, राइट, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, एक आपकी स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज है, एक्सपो 2020 दुबई टू होस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन, राइट। दुबई है जो कि आपका चेस चैंपियंस, वर्ल्ड चेस चैंपियंस का नवंबर 24 टू दिसंबर 16, राइट, वहां पर इसका होस्टिंग की गई थी, राइट, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा, वर्ल्ड चेस चैंपियन कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो दैट इज द दुबई में। ओके, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चंस पे। तो न्यूज थी, आपको लगे कि इंपॉर्टेंट थी तो लाइक बटन पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, राइट। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 2021 के अनुसार भारत की रैंक क्या है इनमें से, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग बेसिस पे एक क्वेश्चन बनेगा आपका। तो जर्मन वॉच के अनुसार
भारत की क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का रैंक है 7वां, राइट, 7th पोजीशंस पे भारत है। और भी आपको इंडेक्स जानना हो तो वीडियो के स्टार्टिंग्स पर मैंने आपके साथ शेयर किया था, फिर बता देता हूँ इंडेक्स बेसिस पे एक वीडियो मैंने बना रखा है, बहुत ही अच्छे मैंने वहाँ पर इंडेक्स बताए हैं, देखिएगा। एग्जाम्स में आपको इनसे बाहर एक भी इंडेक्स नहीं मिलेगा, राइट, रैंकिंग आपको इनसे बाहर एक भी नहीं पूछी जाएगी। आप देख लीजिएगा वीडियो को, बहुत ही अच्छा वीडियो है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु एड्रेस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि जिसको शॉर्ट में कहते हैं WEF, हिंदी में कहते हैं विश्व आर्थिक मंच, दिवोस डायलॉग इन जनवरी 2021 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राइट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, फोरम के दावोस में जो आयोजित होगा, तो भारत की तरफ से किसको रिप्रेजेंट करना था, राइट, तो भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर से, उन्होंने इस पर्टिकुलर समिट जो इकोनॉमिक फोरम है भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। ओके, पर्टिकुलर होता क्या है, यहाँ पर लगभग 400+ आपकी जो ग्लोबल्स कंपनीज हैं, राइट, उनके CEO वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, और इंडस्ट्री के बारे में, उद्योग धंधों के बारे में, बिजनेस के बारे में चर्चा वहाँ पर की जाती है। ओके, तो नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, वेयर वॉज द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया IFFI, तो यानी कि भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसको शॉर्ट में IFFI कहते हैं, वह कहाँ आयोजित किया गया था, तो वह हुआ था गोवा में, राइट, गोवा में इसको आयोजित किया गया था, 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स। ओके, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हुआ। गोवा की बात कर लें, एक सेकेंड, देखिए गोवा की बात करें तो गोवा मार्डी रेस्पंज, गोवा की कैपिटल पणजी है, प्रमोद सावंत, आप सभी ने सुना होगा, यह गोवा के रिसेंट बच्चे फिनिस्टर्स हैं, प्रमोद सावंत, भगत कोश्यारी जो कि करंट में गोवा के गवर्नर हैं और महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं, गोवा का उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। ओके, याद रखिएगा भगत कोश्यारी। क्लियर हुआ, समझ में आया आपको, तो प्लीज थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, हु वाज द ओनली फॉरेनर टू रिसीव पद्म विभूषण अवार्ड 2021, भारत रत्न के बाद पहला ही, ये भारत रत्न पहला सिविलियन ऑनर है, याद रखिएगा, इंडिया में, उसके बाद आपकी पद्म विभूषण, राइट, तो किसको पद्म विभूषण मिला है, एकमात्र विदेशी जो फॉरेनर है, राइट, मैंने बताया था आपको, जैसे कि भारत रत्न के बाद आपकी दूसरा ऐसा सिविलियन ऑनर है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री, राइट, तो ये मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आपने अगर देखा होगा तो आप इसका करेक्ट आंसर दे पाओगे। शिंजो आबे जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। टोटल 7 ऐसे हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, बाला सुब्रमण्यम भी है, राइट, पद्म विभूषण से सम्मानित होंगे, राइट, शिंजो आबे, राइट, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, अब देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट देखिए, काजा कलास इज टू द बिकम एस्टोनियाज फर्स्ट फीमेल्स प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ एस्टोनिया। काजा कलास जो कि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है, तो एस्टोनिया की कैपिटल्स क्या है, ये एक स्टैटिक का क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ एस्टोनिया, तो एस्टोनिया की कैपिटल्स है, दैट इज द टैली, राइट, यूरो वहां पर करेंसी चलती है, स्टैटिक में यही क्वेश्चंस पूछे गए, कोई भी स्टेट का, कोई भी कंट्री का न्यू प्राइम मिनिस्टर अगर नियुक्त हो तो उसी कंट्री का आपको कैपिटल या करेंसी पूछ सकता है। ओके, ये देख लीजिए कटिंग्स भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। नेक्स्ट, जेनेट येलन
अमेरिकन फर्स्ट वुमन, अमेरिका की पहली महिला बनी है, क्या बनी है, चेयरमैन ऑफ द अपर चैम्बर, ट्रेजरी सेक्रेटरी, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस या डिफेंस सेक्रेटरी? तो वह बनी है, दैट इज द ट्रेजरी सेक्रेटरी। ये कटिंग्स भी है मेरे पास, देख लीजिए, जेनेट येलन, राइट। अमेरिका में भी जो बाइडेन है, जो कि 46वें राष्ट्रपति बने हैं एंड उपराष्ट्रपति के रूप में पहली बार महिला बनी है कमला हैरिस, जो कि उपराष्ट्रपति नियुक्त हुई है। इंडियंस कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तमिलनाडु से यह बिलोंग करती है, याद रखिएगा। ओके, अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट अगर आपको चाहिए, पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने मंथली बेसिस पर लिंक दे रखे हैं। ओके, लिंक दे रखे हैं, आप उन लिंक पर जाके वीडियो को देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और मिले भी हैं एसबीआई क्लर्क मेंस, आरबी असिस्टेंट मेंस। आप इस वीडियो को देखिएगा, सेम थंबनेल का वीडियो है, वहां पर मैंने शेयर किए हैं कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, राइट। अपकमिंग एग्जाम्स में तो वहाँ भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, सिवान जेके, राइट, जेके सिवान है, जो कि गट अप्रूवल्स एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली, राइट। सिवान जेके हैं, जो कि रिसेंट में किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं, वह बने हैं, दैट इज द धनलक्ष्मी बैंक के, राइट। धनलक्ष्मी बैंक की सीईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईबीपीएस के आरआरबी एग्जाम्स में चाहे वह पीओ हो चाहे क्लर्क हो, मेंस हो, किसी भी एग्जाम्स हो, डेफिनेटली ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपको, राइट। तो धनलक्ष्मी बैंक की जे के शिवन है जो कि बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर त्रिशूर है, त्रिशूर आपका केरला में है, याद रखिए, त्रिशूर केरला में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखिए, प्रशांत डोरा, जिनका रिसेंट में निधन हुआ है, ऑबिचुअरी बेस पर क्वेश्चन है, रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ स्पोर्ट, राइट। तो वह किस खेल से जुड़े थे? देखिए, कल मैंने न्यूज डिस्कस करते समय आपके साथ शेयर भी किया था कि प्रोफेशन बेसिस पर कोई प्लेयर हो तो उसका प्रोफेशन आपको जरूर पूछेगा, राइट। तो प्रशांत डोरा, जो कि भारत से बिलोंग करते थे, वह एक फुटबॉलर थे और फुटबॉल में गोल कीपर की भूमिका निभाते थे। ये कटिंग से आपके सामने, ओके। और देखिए, एक वीडियो मैंने बनाया था ऑबिचुरी बेसिस पे, राइट, बहुत ही अच्छा वीडियो था, राइट। अगर आपको नहीं मिलता, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी मैंने दे रखा है, दिसंबर मंथ का आपको वीडियोज के माध्यम से भी जाके आप देख सकते हैं, सेम थंबनेल, राइट। ऑब्विचुअरी वहां से आप कवर करिए, राइट, एग्जाम्स में डेफिनेटली एक क्वेश्चन वहां से पूछे। वो बहुत अच्छा वीडियो था, 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, आप खुद देखेंगे तो आपको खुद वो भी लगेगा, ओके। सारे मैंने मंथली बेसिस पे कवर किए हैं, अक्टूबर का चाहिए डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, नवंबर का चाहिए डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, दिसंबर का चाहिए, दिसंबर का भी वीडियो अवेलेबल है, ओके। According to a report, it means एक रिपोर्ट के अनुसार, by Brand Finance की एक रिपोर्ट के अनुसार, Indians की एक IT firm है, Tata Consultancy Services, right? It means जो TCS है, ranked at workplaces, यानी कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में भारत की IT firm है Tata Consultancy Services, तो उसको किस स्थान पर रखा गया, तो वह आपकी That is the third positions पे है, याद रखिएगा, ओके। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और इंडिया की बात करें तो इंडिया में टॉप मोस्ट पर है, मार्केट वैल्यू उसकी सबसे ज्यादा है TCS की, ओके। नेक्स्ट, आज के लिए क्वेश्चंस है, ग्लोबल फाइनेंस सर्विसेज मेजर HSBC हैज इनॉग्रेटेड इट्स इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट IBU ब्रांच इन विच स्टेट?
वैश्विक वित्तीय सेवाओं के प्रमुख एचएसबीसी ने राज्य के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई शाखा का उद्घाटन किया है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या नैनीती? बताइएगा। ऑप्शंस में जानबूझकर ऐसे डाले हैं ताकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो। सर्च कीजिएगा इस क्वेश्चन के बारे में, फिर जरूर आंसर दीजिएगा। ओके, तो एंड अप करते हैं सेशंस को। अगर आपको अच्छा लगा, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगी, लगा कि आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ मेरी तरफ से मैं आपकी हेल्प भी कर पाया हूँ, तो लाइक बटन पर प्रेस करें। इम्पोर्टेंट लगा तो औरों के साथ भी शेयर करें, उनकी भी मदद हो सकती है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। ओके, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल्स। ओके, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।